नमस्कार, मामाज मिल किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बटर मिल्क। जैसे कि गांव में बटर मिल्क बनाया जाता है, वैसे ही हम थोड़ी क्वांटिटी में घर में बनाएंगे। गांव जैसी लस्सी बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध लेंगे। ये दूध आज का है, ये आज बॉयल किया था मैंने। अब उसके ऊपर ये जो मलाई जम चुकी है इसको हम निकाल लेंगे। ये हम पैन के अंदर डालेंगे। और साथ ही इसमें हम दूध भी थोड़ा डालेंगे। ये मेरे पास ये कल के दूध की मलाई है, ये भी हम इसी के अंदर डाल देंगे और इस दूध को बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये दूध हमारा उबल चुका है, ये पूरा गर्म है। अब इसको हम एक बॉल में डालकर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, पूरी तरह से इसको हमने ठंडा नहीं करना है, इतना हमने गर्म इसको रखना है कि हमारी उंगली जब हम इसमें डालें तो हमें थोड़ा गर्म लगना चाहिए और पूरा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको फिर दही का खट्टा लगाएंगे और इसको जमने के लिए रख देंगे। अभी हम इस दूध को ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये दूध हमारा जो है ये ठंडा हो चुका है। वार्म दूध होता है उससे थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, जो हम उंगली से इसको छुएं तो वो थोड़ा सा हमें दूध गर्म लगना चाहिए, लेकिन आराम से उंगली चली जाए। अब ये दही है, हम इसके साथ इसमें खट्टा लगा देंगे। गर्मियों में तो ये दही 4 या 5 घंटे में सेट हो जाता है, लेकिन सर्दियों में हमें इसको बड़े ध्यान से कहीं वार्म प्लेस पर रखना पड़ता है ताकि ये दही हमारा सेट हो सके। सर्दियों में इसको थोड़ा सा खट्टा भी ज्यादा लगाने की जरूरत होती है और इसको हम सर्दियों में या तो किसी ओवन में रख सकते हैं, या अगर आप माइक्रोवेव आपका फ्री है तो उसमें भी रख सकते हैं, और नहीं तो हम शॉल में लपेट के इसको हम कहीं वार्म प्लेस पे रख देंगे ताकि ये दही हमारा जम सके। और सर्दियों में ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है जमने के लिए। अब इसको हम आजकल जैसे गर्मी है तो हम इसको ढक के इसको बस किचन में रख देंगे और ये सुबह तक एकदम से बढ़िया सेट हो जाएगा। ये रात को हमने ये जो दूध जमाया था ये कितना बढ़िया जम चुका है। सुबह जब मैंने इसको देखा तो थोड़ा इसमें फैट ज्यादा होने की वजह से थोड़ा सा लूज था, तो ये फ्रिज में रखने के बाद एकदम से जम चुका है। तो अब हम इसको मिक्सी में मक्खन को निकालेंगे। ये मिक्सी का जार लेंगे, इस तरह से ये मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। अब इसको मिक्सी के अंदर चला के हम इसका मक्खन निकालेंगे। ये दही को मक्खन निकलने तक हमने मिक्सी में अच्छे से चला लेना है। इसमें अब मक्खन निकल चुका है, इसको हम इस डोंगे में डाल देंगे। अब इसके अंदर हम ये ठंडा पानी डालेंगे। ये गर्मी है तो हम ठंडा पानी डाल रहे हैं, अगर सर्दी होए तो हमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के हमें मक्खन को निकालना पड़ता है। इससे ये लस्सी जो है थोड़ी सी पतली भी हो जाती है और मक्खन भी आराम से निकल आता है। ये मक्खन सारा अब बर्फ के साथ ठंडा होके अच्छी तरह से जम जाएगा और लस्सी जो है वो अलग हो जाएगी। ये लस्सी एकदम से नीचे पतली होती है जो पी जाती है, क्योंकि पहले जो था ड्रिंक्स नहीं होती थी इतनी ज्यादा, ये नेचुरल ड्रिंक्स ऐसे सारा दिन जो गर्मी में किसान लोग काम करते थे और गर्मी में हम यही लस्सी ड्रिंक के तौर पर पीते थे, क्योंकि इसमें से हमने सारा मक्खन निकाल लिया है तो इसमें जो फैट है बहुत ही
कम रह जाता है। ये लस्सी बहुत ही ठंडी भी होती है, तो गर्मियों के दिनों में ये हमें गर्मी से भी बचाती है। ये इस तरह से ये सारा मक्खन जो है इकट्ठा हो चुका है, इसको हम निकाल लेंगे। ये घर का व्हाइट मक्खन हो जाता है। और ये पीछे जो बच जाती है, ये लस्सी है, ज्यादातर तो इसी तरह से ही पीते हैं। इसमें ना तो नमक ऐड करते हैं ना ही चीनी ऐड करते हैं, लेकिन अगर टेस्ट के अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर नमक या चीनी ऐड कर सकते हैं। अब जो बनती है लस्सी, क्योंकि हमारे पास इतनी मलाई और दूध कम होता है, तो हम सीधा दही जमाते हैं और दही से लस्सी बना लेते हैं। ये लस्सी हमारी तैयार है। ये व्हाइट घर का बटर है, ये परौंठी के साथ इतना अच्छा लगता है, इससे हम आगे घी भी बना सकते हैं। ये घर का फ्रेश एकदम से बढ़िया लस्सी और मक्खन है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।